स्वागत है आप सभी का एसएस न्यूज में, मैं आपके साथ मुस्कान। शिवमोगा जिले में स्थित गांधी बाजार में ट्रैफिक पुलिस की ओर से बाजार में फुटपाथ पर बैठने वाले व्यापारियों पर सख्ती बरती गई है। बीती रात का यह मामला है जहां गांधी बाजार के फुटपाथ पर लगे सभी दुकानों को हटाया गया और इसी के साथ ही कुछ दुकानें की चीजों को अपने कब्जे में भी लेते नजर आए पुलिस कर्मचारी। इस दौरान पुलिस वाहन में व्यापारियों के सामान को लेकर गए पुलिस कर्मचारी, तो वहीं इसी के साथ ही इस दौरान सड़क पर खाली करवाने की वजह से व्यापारियों को सड़क किनारे से हटाया गया। और इसके अलावा बात की जाए तो इस पर आगे भी इसी तरह से ख्याल रखे जाने की चेतावनी व्यापारियों को दी गई है। इस मामले के चलते फुटपाथ पर अपनी दुकानें लगाकर रोजमर्रा की जिंदगी गुजारने वाले व्यापारियों की ओर से निराशा जाहिर की गई और उनका कहना था कि सड़क किनारे दुकान लगाकर व्यापार करना ही उनकी कमाई का एकमात्र जरिया था, जिसे अब पुलिस के डर से बंद किया जाएगा। एसएस न्यूज से जुड़े हर लेटेस्ट जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल एसएस न्यूज को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले न्यूज देखने के लिए बेल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर इस चैनल से जुड़े हर नए मुद्दे आपको पसंद आए, हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें और लगातार अपडेट के लिए देखते रहिए एसएस न्यूज।